हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबीर मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। इस वक्त हूँ मैं माल्टा की फिरगिर कारा एरिया में। यहाँ पे आया था एक बंदे के साथ, उसका एक्सपीरियंस बाद में इस वीडियो में लूँगा मैं कि कैसे उन्हें TRC के लिए प्रोसेस होता है, क्या मेडिकल होता है, क्या क्या इंश्योरेंस लिया था। तो आज जुमा का दिन है और आज की जो डेट है मैं आपको बता देता, 23rd of September है और मैं पहली बार यहाँ पर जुमा पढ़ूंगा। तो मस्जिद मैंने देखा है फिरगिर कारा में और यहाँ से मेरे को 10 मिनट की लोकेशन पर दिखा रहा है, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ। ये फिरगिर कारा का इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं और एशियन काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोग रहते हैं। ई के वोल्ट वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे और इस एरिया में बहुत खूबसूरत एरिया है ये और अच्छा है, खूबसूरत लगा मुझे यहाँ पे। तो बस यहाँ के नमाज़ के लिए जा रहा हूँ और मस्जिद में जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा है, जगह मिलता है कि नहीं। मुझे तो लगता नहीं कि जगह मिलेगा, फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। नमाज़ बाहर पढ़ लेंगे, वजू करेंगे उसके बाद। तो जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि माल्टा के बारे में, आप बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है जॉब के लिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप एक तरीका होता है जॉब खोजने का, उस तरीके को सही से अगर यूज़ करते हैं तो आप भी नौकरी पा सकते हो। नौकरी पाना यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। कोशिश आपको करनी पड़ती है और यही दुआ करूँगा सब लोगों के लिए कि हर भाई अपना नौकरी पाए और माल्टा में या फिर यूरोप में कहीं सेटल हो जाए। ज़िंदगी उसी का नाम है, लड़ते रहना है आपको, लड़ना ही सबसे बड़ा ये है। तो फिरगिर कारा का एरिया दिखाते हुए आपको चल रहा हूँ, ठीक है, आप देख भी सकते हो। ये देखो ई कैब की गाड़ी गई है अभी जस्ट मेरे सामने से, पीछे देखो मेरे बोल्ट वाले भाई आ रहे होंगे एक खाने के लिए। एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे गाड़ियों की सर्विस बड़ी स्पीड है, बोल्ट वाले भी 2 मिनट में आ जाते हैं या उबर भी 2 मिनट में आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़, काफ़ी मतलब स्पीड में यहाँ पे लोग काम करते हैं और अच्छा लगा मुझे। ओके, माल्टा में पहला नमाज पहली बार पढ़ा हूँ और ये मस्जिद है। ये फिरगिर कारा में लोकेशन मैं आपको ना नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, किसी को भी मस्जिद फिरगिर कारा में पता तकलीफ है, गूगल पे आप सर्च मारोगे तो 5-6 मस्जिद है। तो यहाँ मैं पढ़ा हूँ मस्जिद है यहाँ पे। अंदर का लोकेशन भी मैं इतना ज़्यादा नहीं ले पाया, ये लोकेशन है और माशाल्लाह बहुत अच्छा ठीक था जैसा भी है। और ये हमारे भाई हुए, हमारे भाई हुए जो दिल्ली से आए हुए हैं, यहाँ ग्रीन सुपरमार्केट में काम करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे नमाज़ पढ़ के, थोड़ा मतलब लास्ट टाइम मैं आया था नमाज़ नहीं पढ़ पाया था क्योंकि मुझे समझा नहीं था, वक्त नहीं था, चीज़ें नहीं मालूम थी। तो मस्जिद का कोई ऐसा मीनार नहीं है लेकिन ये ग्रीन कलर का एक बोर्ड है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये स्ट्रीट आपको नीचे लिंक पे स्टेशन आपको मिलेगा, तो जिसको भी मस्जिद मतलब यहाँ पे आते हैं और नमाज़ की तकलीफ़ होती है तो आप गूगल पे सर्च मार के यहाँ पे आ सकते हो। माशाल्लाह मस्जिद भी अच्छा है, वजू करने का भी जगह भी सब कुछ अवेलेबल है।